बात आज केकड़ी की करेंगे, जहां से हैरान करने वाली खबर आई है। सरवार टोल प्लाजा पर अपराधी धन सिंह ने दबंगई दिखाई है, गुंडई की है, रिवॉल्वर दिखाकर टोल कर्मियों को मुर्गा बना दिया। धन सिंह ने टोल वसूली बंद करवाने की भी धमकी दी है। और ये जो पूरी घटना है, ये जो पूरी गुंडई है, वो सीसीटीवी में कैद हो गई है। धन सिंह जो वहां का एक लोकल गुंडा है, उसने अपनी गुंडई टोल कर्मियों पर दिखाई। केकड़ी से ये एक हैरान करने वाली खबर है। और बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार पुलिस प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर, कानून नाम की कोई चीज संभवता इस गुंडे के सामने नहीं है। टोल प्लाजा पर यह शख्स आता है और जो टोल कर्मी वहां पर काम करते हैं, ये देखिए, ये शख्स अपनी गाड़ी से उतरता है और मुर्गा बनवाता है टोल कर्मी को। संभवतः टोल कर्मी की गलती ये हुई होगी कि इस गुंडे से उसने पैसे मांग लिए होंगे टोल के, और धमकी साथ ही साथ उसने ऐड करके ये दिया है कि आने वाले वक्त में वो टोल को बंद करवा देगा। टोल प्लाजा पर ये अपराधी है धन सिंह, उसकी गुंडई नजर आई है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और ये जो पूरी घटनाक्रम है वो सीसीटीवी में कैद हो गई है। अब सवाल ही उठता है कि आखिरकार केकड़ी में क्या कोई प्रशासन नाम की चीज नहीं है, पुलिस नाम की कोई चीज नहीं है, केकड़ी में क्या गुंडों की चलती है? क्योंकि तस्वीरें ही तस्दीक करती है, कोई गुंडा आता है किसी भी टोल कर्मी को जो अपना काम कर रहा है, उसके काम में दखल अंदाजी करता है। और देखिए, पहले टोल से थोड़ी दूरी पर जो टोल कर्मी है उसको मुर्गा बनवाता है, फिर वो सामने आता है, उसके बाद वहां पर भी उसने टोल कर्मी को मुर्गा बनने को कहा। और टोल कर्मी आखिर करे तो क्या करे, जान बचानी है तो जो आदेश आया है उस आदेश का अनुपालन होना चाहिए। उन्होंने वही किया जो गुंडे ने कहा, संभवतः उस स्थिति में जो उन्हें कहा गया उन्होंने किया, वरना अगर वो नहीं करते तो संभवतः उनकी जान पर भी बना सकती थी। ये तस्वीरें केकड़ी की है और काफी हैरान करने वाली तस्वीर है। बंदूक की नोक पर यह गुंडा धन सिंह है, जिसने टोल कर्मियों को मुर्गा बनवा दिया। और बड़ी बात यह है कि आसपास से लोग गुजरते रहे, लेकिन एक गुंडा, एक गैंगस्टर, एक अपराधी से कौन मुंह लगे, ये बड़ी बात है। और किसी ने उसे टोकने की कोशिश नहीं की, पुलिस प्रशासन नाम की कोई चीज तो संभवतः नजर ही नहीं आई। और ये जिस धन सिंह का नाम लगातार आपको हम बता रहे हैं, ये धन सिंह उर्फ धनसा है कौन, ये भी आपको बता देते हैं। ये भिनाई थाने का एक हिस्ट्री शीटर है। अलग अलग थानों में इसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं और इन मुकदमों में हत्या, डकैती की योजना, लूट जैसे संगीन अपराधों में मामले दर्ज हैं। अपहरण, मारपीट समेत आर्म्स एक्ट के 32 केस इस हिस्ट्री शीटर पर दर्ज हुए हैं। आनंद पाल के नेटवर्क का भी ये जानकार बताया जाता है। आनंद पाल के नेटवर्क के बारे में इसको जानकारी होती है। धन सिंह के गिरोह में केसर सिंह काम कर चुका है, जो पेरोल पर छूटने के बाद धन सिंह फरार हो गया था। पुलिस ने नवंबर 2015 में धन सिंह को गिरफ्तार किया था। बाद में धन सिंह को जमानत पर रिहा किया गया, लेकिन जमानत पर रिहा होने के बाद भी इसकी गुंडई खत्म नहीं हुई। इसकी जो करतूत थी वो रुकने का नाम नहीं ले रही, और संभवतः जिन लोगों पर इसकी करतूतों पर अंकुश लगाने का काम है, वो संभवतः अपने काम को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं या दे नहीं रहे हैं। चलिए, अब इस घटना के बाद समाचार प्रेस के चंद सवाल हैं कि आखिरकार केकड़ी में क्या पुलिस और कानून नाम की कोई चीज है नहीं, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि एक अपराधी, एक गुंडा आता है और सरेआम अपनी गुंडाई दिखाता है और कोई उससे रोकने टोकने वाला नहीं होता। अपराधियों पर ऐसे लगाम कैसे लगा सकती है पुलिस? एक अपराधी के सामने क्या पूरी जो पुलिस प्रशासन है वो पस्त हो चुकी है? धन सिंह को आखिरकार गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? पहले भी धन सिंह को पेरोल पर क्यों छोड़ा गया? क्या कुख्यात अपराधियों पर ऐसे ही लगाम लगेगी? क्योंकि ये तकरीबन 3 दर्जन मामलों में ये अपराधी, इसके खिलाफ अलग अलग थानों में मामले दर्ज हैं, और वो छोटे मोटे अपराध नहीं है। हत्या, लूट का प्रयास, डकैती की कोशिश, मारपीट जैसे संगीन अपराध इसके खिलाफ दर्ज हैं। इस वक्त केकड़ी से पीयूष राठी जुड़ चुके हैं। पीयूष, ये जो धन सिंह है, जो अपनी गुंडई दिखा रहा है टोल पर, इसके करतूत से, इसके चाल हाव भाव से देखिए एक ही चीज लगता है कि लोकल पुलिस से इसको किसी तरीके का डर नहीं है।
और धनराज मैं आपको बताऊं कि ये जो कुख्यात अपराधी है धन सिंह, इसका पूरे ही क्षेत्र में एक हम कह सकते हैं कि इसका सनसनी है कि हमेशा से, आज से नहीं पिछले कई सालों से धन सिंह का यहाँ खौफ है। धन सिंह ऐसे गतिविधियां कई बार यहाँ अंजाम दे चुका है। और मैं आपको कल घटना बताऊं कि कल जब टोल कर्मियों के साथ इसने बदसलूकी की, रिवॉल्वर दिखाकर उन्हें मुर्गा बना दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पुलिस का डर इसमें कहीं भी नजर नहीं आता है। और इस पूरी घटना की एक और चीज मैं आपको धनराज कि ये जब घटना हुई उसके तुरंत एक मिनट बाद ही पुलिस की गाड़ी वहां पहुंच गई। पुलिस चाहती तो उसे पकड़ सकती थी, कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामयाबी रही कि घटना के एक मिनट बाद ही तुरंत वहां वह पहुंच गई, फिर भी अपराधी अपराध करके वहां से निकल जाता है। जी धनराज। चलिए पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। दो ही चीजें हो सकती है, या तो जो वहां की पुलिस है उसे भी धन सिंह से डर लगता है, या फिर पुलिस के ऊपर ऐसा कोई दबाव है और उस दबाव के कारण वो धन सिंह पर हाथ नहीं डालना चाहती। वही जयपुर नगर निगम मुख्यालय पर आज कांग्रेस के पार्षदों ने प्रदर्शन किया है। निगम प्रशासन और महापौर के खिलाफ कांग्रेस के पार्षदों ने नारेबाजी की है। जयपुर में सफाई व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के पार्षदों में नाराजगी है। कांग्रेस के पार्षद सफाई कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर हंगामा कर रहे हैं और आज विरोध स्वरूप काली टी शर्ट पहनकर निगम ऑफिस कांग्रेस के पार्षद पहुंचे थे। कांग्रेस के पार्षदों को मेयर निर्मल लाहटा ने चेतावनी दी है। 10 मिनट के लिए निगम की बैठक को बीच में स्थगित भी किया गया, लेकिन कांग्रेस के पार्षद हर चीज प्लान करके आए थे कि आज उनको क्या कुछ करना है, और उसी रणनीति के तहत आज कांग्रेस के पार्षद काम कर रहे थे। पहले कल ही कांग्रेस के पार्षदों की एक बैठक हुई, तो उसी में सब कुछ तय हो गया था कि आखिरकार उनको आज निगम की बैठक में क्या कुछ करना है, और उसी के अनुरूप ये लोग आज काम कर रहे थे। हालांकि बीच में 10 मिनट के लिए निगम की बैठक को टाला भी गया, लेकिन उसका असर कांग्रेस के पार्षदों पर नहीं पड़ा। ये लोग शहर की सफाई व्यवस्था से नाराज हैं। तमाम जो कांग्रेस के पार्षद हैं आज काली टी शर्ट पहनकर आए थे और टी शर्ट पर एक स्लोगन लिखा हुआ था, भ्रष्टाचार बंद करो। हालांकि बीच में जो मेयर हैं उनकी ओर से भी उनको ये कहा गया कि वो हंगामा ना करें, लेकिन सीधे सीधे आरोप मेयर पर भी लगाए हैं कांग्रेस के पार्षदों ने। तो कांग्रेस के पार्षदों की कल ही एक बैठक हुई थी और इस बैठक में तय हो गया था कि आखिरकार आज किस रणनीति के तहत वो निगम की बैठक में पहुंचेंगे, और उसी रणनीति के तहत ये लोग आज काम कर रहे थे। आपको हम दो तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें आप साफ तौर पर देखेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस के पार्षद प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बैठक पहले जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये नगर निगम मुख्यालय के अंदर की है। नगर निगम मुख्यालय के अंदर जब बैठक चल रही थी वहां पर कुछ लोगों ने अर्धनग्न होकर भी प्रदर्शन करने की कोशिश की, और जो दूसरी तस्वीर है वो निगम मुख्यालय के बाहर की है जहां पर एक घंटे तक धरना कांग्रेस के पार्षदों ने दिया, काली टी शर्ट पहनी जिस पर एक स्लोगन लिखा था भ्रष्टाचार बंद करो। इसके बाद ये लोग निगम की बैठक में गए, मेयर के खिलाफ नारेबाजी की गई, सफाई व्यवस्था को लेकर ये लोग नाराज हैं। और इस वक्त योगेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। योगेंद्र, अभी क्या कुछ स्थिति है निगम मुख्यालय में? देखिए, जिस तरह से महापौर ने अभी 2 मिनट पहले ही आदेश दिया है कि जो कांग्रेस के पार्षद सदन में पहुंचे हैं काले टी शर्ट पहनकर, ये लोग जो सदन में आए हैं 10 मिनट में अगर ये अपना टी शर्ट उतार, जो काला नारेबाजी लिखे हुए टी शर्ट है वो उतार कर सदन में नहीं आते हैं दोबारा, तो इनको पूरी जो बैठक चलेगी उसे निष्कासित कर दिया जाएगा, बैठक के बाहर निकाल दिया जाएगा। 10 मिनट के लिए बैठक को स्थगित किया गया है। लेकिन धर्मराज, मैं सुबह से बताना चाहूंगा कि 11 बजे बैठक शुरू हुई है, 10 बजे निगम मुख्यालय के बाहर कांग्रेसी पार्षदों ने धरना दिया, नारेबाजी की, अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की, महापौर के खिलाफ नारेबाजी की, और जो कि ठेका कंपनी है ड्रीम कंस्ट्रक्शन ठेका कंपनी है उसका ठेका अवधि बार बार बढ़ाई जा रही है उसका खुलकर विरोध किया। और यहाँ भी जो काला टी शर्ट पहने हैं, अपने जो वेशभूषा है उसके ऊपर काला टी शर्ट और उसमें भ्रष्टाचार के नारे लिखे हुए टी शर्ट पहनकर वो पहुंचे हैं, जो 21 के 21 जो कांग्रेसी पार्षद है सब लोग यहीं पर मौजूद हैं। और इस तरह से यहीं पर जो नगर निगम के डायरेक्टर लॉ हैं उनसे भी कानून का हवाला लिया गया कि किस तरह से अगर गलत वेशभूषा पहनकर लोग सदन में आते हैं
तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। तो यहाँ पर नियमों का भी हवाला दिया गया है और खुद महापौर निर्मल लाटा ने कांग्रेसी पार्षदों को चेतावनी दी है कि अगर 10 मिनट बाद बैठक शुरू होती है और वो टी शर्ट पहनकर अगर दोबारा आते हैं तो उन्हें बैठक के बाहर निकाल दिया जाएगा। चलिए, यानी आने अभी ये जो बवाल है वो बवाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कांग्रेस के पार्षदों की कल ही जो बैठक हुई थी, कांग्रेस के पार्षदों की आज रणनीति क्या होगी वो कल से तय थी और उसी रणनीति के तहत वो आज वो काम कर रहे हैं। देखिए सही है, कल सारे कांग्रेसी पार्षद एक बैनर तले जुटे थे और एक निजी होटल में बैठक की गई कि किस तरह से जयपुर महापौर को घेरा जाए और किस तरह से नगर निगम अधिकारियों को घेरा जाए, क्योंकि कांग्रेस का खुद का आरोप है कि शहर का विकास कार्य पूरी तरह बाधित हो चुका है, शहर में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। साथ ही जो ठेका कंपनी है, बीट्स की जो ठेका कंपनी है ड्रीम कंस्ट्रक्शन, उसका जो ठेका अवधि है पहले ही खत्म हो चुकी है, उसको बार बार बढ़ाया जा रहा है, उसको एक्सटेंशन दिया जा रहा है। तो लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जो कंपनी है वो उसके जो मार्फत यहां पर जो 4000 एसआई कर्मचारी काम कर रहे हैं, कंपनी उनको समय पर पैसा नहीं देती, ईएसआई और पीएफ का लाभ नहीं देती। इस कारण आए दिन अब तक देखा जाए तो पिछले 1.5 साल में 9 बार हड़ताल हो चुकी है, शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। तो तमाम इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस आज सदन में पहुंची है और पूरी तरह से यहाँ कहा जा सकता है कि जो बोर्ड की बैठक है, जो बोर्ड के जो सदस्य हैं उनको घेरने की पूरी प्लानिंग की जा रही है। साथ चलिए योगेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा निगम की बैठक पर, लगातार आपके पास हम अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ते आगे, अगली खबर शाहपुरा से है जहां पर विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने गांव वालों की समस्या पर अब सरकार पर निशाना साधा है। कैलाश मेघवाल ने कहा है कि मैं सरकार पर दबाव बना सकता हूं, सरकार पर दबाव अगर बनाया जाए तो ही नतीजे आएंगे। तो विधानसभा के अध्यक्ष हैं कैलाश मेघवाल और सरकार पर उन्होंने हमला बोला है कि सरकार पर जब तक दबाव नहीं बनाया जाता तब तक सरकार काम नहीं करती है और मैं सरकार पर दबाव बना सकता हूं। मैं आज के स्पीकर सरकारी प्रवक्ता नहीं, लेकिन सरकार पर दबा सकता और मैं विश्वास करता हूं आपको भी, आपके सरपंच साहब के द्वारा, ये दोनों ही बातों पर मैं सरकार पर दबाऊंगा और दबाऊंगा तो नतीजा आएगा। मेरे पास करूंगी कलम तो मंत्रियों के पास है और मंत्री जब विधानसभा में आता है तो मैं तेरी उंगली करता हूं तो जी निकल जाए। तो इन दोनों ही मामलों से आप क्या कराते हैं ना सरपंच साहब, और मैं विधानसभा में उठाऊंगा। तो काफी अनुभवी राजनेता हैं और ऐसा नहीं है कि पहली बार विधानसभा अध्यक्ष ने इस तरीके का बयान दिया है। 2 दिन पहले ही बायवर दौरे पर जब उन्होंने थे तो उन्होंने कुछ इसी तरीके का विवादित बयान दिया था। चलिए आपको उनके दोनों बयान हम सुनवाते हैं। स्पीकर सरकारी प्रवक्ता नहीं, लेकिन सरकार को दबा सकता और मैं विश्वास करता हूं आपको भी, आपके सरपंच साहब के द्वारा, ये दोनों ही बातों पर मैं सरकार को दबाऊंगा और दबाऊंगा तो नतीजा आएगा। मेरे पास करूंगी कलम तो मंत्रियों के पास है और मंत्री जब विधानसभा में आता है तो मैं तेरी उंगली करता हूं तो जी निकल जाए। तो इन दोनों ही मामलों से आप क्या कराते हैं ना सरपंच साहब, और मैं विधानसभा में उठाऊंगा। राजस्व जो है अधिकार और राजस्व जो जिले और उपजिले हैं इनके परिवर्तन की, इनमें बढ़ोतरी की एक कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी में सारे रिप्रेजेंटेशन गए हैं। मेरा ऐसा ख्याल है कि आपने भी दिया होगा, दिया है तो उस कमेटी की रिपोर्ट आएगी या मैं जाते ही मुझे चेता देना, जो कमेटी बना रहा है वो अफसर रिटायर्ड अफसर है, उसके कान में मैं फूंक मार दूंगा। अरे के एक वाजिब मांगे मांग लेना, नहीं तो विधानसभा में तुम्हारी खाल खींची जाएगी। वही एनआरएचएम घोटाले में आईएएस नीरज के पवन से लगातार पूछताछ चल रही है, दलाल अजीत सोनी और जोजी वर्गीस से भी पूछताछ हो रही है, दीपा गुप्ता से भी एसीबी पूछताछ कर रही है। अजीत सोनी और जोजी वर्गीस और दीपा गुप्ता को तो बकायदा कोर्ट ने 5 दिन के रिमांड पर दिया है और सभी आरोपियों को अब एसीबी आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है ताकि जो असलियत है, जो सच्चाई है वो सामने आ पाए। हालांकि नीरज के पवन
अभी तक गिरफ्तारी से बचे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से एसीबी इस मामले में लगातार एक के बाद एक स्टेप आगे बढ़ा रही है, एक के बाद एक कदम बढ़ा रही है, उससे ये लगता है कि एसीबी को ये पता है कि नीरज के पवन इस मामले में शामिल रहे हैं। बस एसीबी को एक पुख्ता सबूत चाहिए ताकि अदालत के सामने जब वो सबूत लेकर जाए तो नीरज के पवन को राहत ना मिले। वही नीरज के पवन पर आरोप क्या है एक बार बता देते हैं आपको। एनआरएचएम में जो टेंडर जारी हुए थे उन टेंडर्स में धांधली का आरोप नीरज के पवन पर है और आरोप यह है कि तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की रिश्वत इन्होंने ली। एनआरएचएम के अतिरिक्त निदेशक हुआ करते थे, जयपुर के स्वास्थ्य भवन में इनकी तैनाती थी और उसी दौरान जो टेंडर जारी किया गया था उसमें भ्रष्टाचार हुआ, 1.5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप इन पर है। और ये सारी जानकारी जो दलाल अजीत सोनी है जिसके मार्फत ये पूरा काम होता था उसने खुलासा किया है और 7 महीने पहले एसीबी में शिकायत दर्ज की गई थी और 7 महीने से ही एसीबी के निशाने पर थे नीरज के पवन। और जोधपुर कोर्ट में आसाराम केस की सुनवाई जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच चंचल मिश्रा आज कोर्ट पहुंची, जांच अधिकारी से आज जिरह होनी है। चंचल मिश्रा को इस बीच जान से मारने की धमकी भी मिली। जो शूटर है कार्तिक उसकी गिरफ्तारी जयपुर एटीएस ने की। जयपुर के से ये जानकारी पुलिस हेडक्वार्टर राजस्थान को दी गई, वहां पर यह कहा गया कि चंचल मिश्रा जो इस मामले में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हुआ करती थी, जो इस मामले की मुख्य कड़ी है, उनकी जान को खतरा है। उसके बाद उनकी सुरक्षा को बढ़ाया गया। इस वक्त वो डिप्टी एसपी के पद पर तैनात है भीलवाड़ा में और आज वो पेशी में पहुंची है। इस मामले में चंचल मिश्रा से आसाराम के वकील जिरह करेंगे। अलवर में बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। घटना के बाद से महिला की बहू गायब है। घर से नकदी, बाइक और गहने चोरी हो गए हैं। घटना तिजारा इलाके की है जहां बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग महिला का बेटा फौज में नौकरी करता जबकि उसकी पत्नी अपनी सास के साथ रहती थी। पुलिस ने बहू पर अपनी प्रेमी संग मिलकर सास की हत्या का शक जताया है। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब तलाश हो रही है बहू की कि आखिरकार बहू कहां गई है, क्योंकि बहू के सामने आने के बाद ही इस घटना से सच्चाई सामने आ सकती है आखिरकार हुआ क्या। सुबह थाना तिजारा को सूचना मिली थी कि जैसे एक घटना हुई और एक उसकी पुत्र वधू नशे गायब है। इसकी सूचना पे मैं स्वयं मौके पर पहुंचा। ऐसे छोटो कुबड़ा और तिजारा पहले से ही निर्देशानुसार मौके पर थे और इसकी गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। कुछ क्लू भी हमें इस संबंध में मिले जिनको आगे हम डेवलप करके और उसके अनुसार कार्रवाई करें। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि किसी सॉफ्ट ऑब्जेक्ट चाहे वो तकिया हो चाहे कोई कपड़ा हो उससे इसका मुंह घोट के तब इसकी मृत्यु हुई है, क्योंकि कोई जाहिर चोट है नहीं शरीर में, कोई गले में लिगेचर मार्क नहीं है कि इसको गले से कोई रस्सी वगैरह से बांधा हो, किसी ने किसी सॉफ्ट ऑब्जेक्ट से इसका मुंह घोटा गया है, इसकी वजह से दम घुटने से मृत्यु हुई है ऐसा लग रहा है प्रथम दृष्टया। फतेहपुर में रास्ते को लेकर हुए विवाद के चलते दो गुट आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर लाठियां चली हैं, तलवारें चली हैं। इस हमले में 7 लोग घायल हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामला वार्ड नंबर 2 का है जहां आचार्य के मोहल्ले में रास्ते को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। हमले में 7 लोग घायल हुए हैं, घायलों में 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। वार्ड नंबर 2 की सरदार रास्ता कलों पिलों भंडार है किसी कार्य के लिए खाना पीना भंडार की दुकान थी पेपर बनता है अच्छा खाना पीना भंडार बैठे हुए थे मिट्टी ने सरिये से। रिंगस में शराब से भरी पिकअप लूट के मामले में कोर्ट ने गैंगस्टर राजू ठेहट को बरी कर दिया है। लूट के आरोपी गैंगस्टर राजू ठेहट को पुलिस सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने पिकअप लूट के मामले में राजू ठेहट को बरी कर दिया है। पेशी के बाद राजू ठेहट को जयपुर जेल के लिए रवाना कर दिया गया। आपको बता दें कि 10 साल पहले बाबड़ी गांव से शराब से भरी पिकअप लूट ली गई थी जिसका आरोप राजू ठेहट पर लगा था। जयपुर में लोगों ने शराब की दुकान खोलने के विरोध में प्रदर्शन किया है। लोगों ने प्रशासन पर शराब व्यापारियों से सांठगांठ का आरोप लगाया है। मामला झोटवाड़ा इलाके का है जहां लोगों ने ठेका खोलने के विरोध में प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा है कि लंबे वक्त से वार्ड नंबर 13 में शराब ठेका हटाने की मांग करते आ रहे हैं। प्रशासन दुकान को सीज कर दिया है लेकिन दुकान फिर खुल गई। लोग शराब ठेका बंद करने की मांग पर अड़े हुए हैं।
अलवर पुलिस ने कच्ची शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को शराब बनाते पकड़ा है। पुलिस ने मौके से 135 लीटर कच्ची शराब जब्त की है। मौके से शराब बनाने का सामान बरामद हुआ है। पुलिस मौके से मिला 1000 लीटर वॉश नष्ट किया है। कार्रवाई पडीसल और सरदारों की ढाणी गांव में हुई है। यहां पुलिस ने 12 से ज्यादा जगहों पर छापा मारकर अवैध भट्टियों को तोड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कई दिनों से गांव पडीसल के पास सरदारों की ढाणी में अवैध हथकड़ शराब बनाने की सूचना मिल रही थी, जहां पर 14 व्यक्तियों को शराब बनाते हुए हिरासत मिली है, जिनके कब्जे से 150 लीटर हथकड़ शराब और काफी मात्रा में वास और उपकरण नष्ट किए। जयपुर में अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर सूबे के दिव्यांग अनशन पर हैं। दिव्यांगों ने विशेष भर्ती अभियान चलाने के साथ ही पेंशन की राशि बढ़ाकर 1500 रुपए करने की मांग की है। दिव्यांगों ने कहा है कि अपनी मांगों को लेकर लंबे वक्त से अनशन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। विकलांग संघर्ष समिति ने मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। तीन रोज से विकलांग सभी भूखे प्यासे यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, आंदोलन को गति दे रहे। सरकार की तरफ से हमारे 5 नुमाइंदों को कल वार्ता के लिए भी बुलाया था, हमने वार्ता को विफल कर दिया है और हमारा यहाँ पर आज से आमरण अनशन शुरू है। कल भी पुलिस प्रशासन ने विकलांगों के ऊपर लाठी चार्ज किया है, 3-4 विकलांग घायल हुए हैं, SMS तक के अंदर भर्ती है लोग। ये मतलब सरकार की देन है हमारे। देवली में ग्राम पंचायत सचिव पर रिश्वत लेने के साथ ही वार्ड पंचों से बदसलूकी का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने पंचायत समिति के विकास अधिकारी से मामले की शिकायत कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामला चांदसिंहपुरा गांव का है, जहां ग्राम सचिव पर आवास योजना स्वीकृत करवाने के नाम पर ग्रामीणों से रिश्वत लेने का आरोप लगा है। आरोप है कि सचिव और चपरासी मिलकर आवास दिलाने के नाम पर ग्रामीणों से रिश्वत लेते हैं। शिकायत करने पर वार्ड पंचों से बदसलूकी की जाती है। विकास अधिकारी ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसने मेरे को आके बोला कि मेरे से अम्बालाल चपासी ने 4000 रुपए लिए। मैंने पूछा इसे भाई किस बात की, सरपंच सचिव ने पैसे लेंगे। अच्छा, सरपंच और सचिव के नाम पर पैसे लिए उसने? हाँ। डायरेक्ट सरपंच और सचिव ने नहीं मांगे आपसे? नहीं, इसे नहीं मांगे, इसे नहीं मांगे। फिर आपने सरपंच को बोला? बिल्कुल बोला। चौमू में खुले कुएं हादसों को न्योता दे रहे हैं। कुओं को बंद करने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किया गया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने पंचायत स्तर पर खुले कुओं को ढकने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए सरकार की तरफ से बजट भी मुहैया कराया गया, लेकिन इस पंचायत स्तर पर कुओं को ढकने के लिए अब तक कोई पहल नहीं की गई है।